सो गाइस, इसमें आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी के रिलेटेड टॉप 10 अपडेट्स। यहाँ दोस्तों रोज की तरह आज भी पीकेएल और कबड्डी के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स निकल के आई है, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल 35 के सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा करीब है, सिर्फ 300 सब्सक्राइबर अब और चाहिए। तो गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 35,000 सब्सक्राइबर हमें बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं, तो गाइस जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला अपडेट निकल के आता है 68 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे जो महाराष्ट्र की टीम है उनके कैप्टन एंड वाइस कैप्टन अनाउंस हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन में रहने वाले हैं शुभम शिंदे एंड पंकज मोहिते। ये दो ही प्लेयर्स यहाँ पे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का रोल अदा करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र की टीम का स्क्वाड भी यहाँ पे अनाउंस हो चुका है, लेकिन अगर स्क्वाड देखा जाए तो 12 से 14 मेंबर की स्क्वाड होती है, लेकिन यहाँ पे 25 मेंबर को सिलेक्ट किया गया है। एंड उसमें से हमें फाइनल स्क्वाड पता चलेगा, फिर उसके बाद इसके बाद हमें प्लेइंग 11 पता चलेगा। तो गाइस यहाँ पे अभी फिलहाल सिलेक्टेड के लिए 25 मेंबर को सिलेक्ट किया गया है, देन इसके बाद हमें बाकी की कंफर्म स्क्वाड मिल जाएगी। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है राहुल कबड्डी के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे राहुल चौधरी ने एक फोटो अपलोड किया जहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे राहुल चौधरी है, और उसी के रिलेटेड यहाँ पे नीचे कमेंट मतलब कि कैप्शन में लिखा है कि दिस इज योर कैप्टन फ्रॉम द फ्लाइट डेक व्हेन यू साली जी फ्लाइज यू थैंक यू एट द रेट विंग्स ऑन मॉमी बॉस फन। यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल चौधरी प्लेन पे बैठे हुए, और यहाँ पे मतलब कि कैप्टन के बारे में बताया गया और मेंशन भी किया गया है, और उन्होंने थैंक यू भी कहा है। चलो से बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अगला अपडेट निकल के आता है प्रो कबड्डी के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे परवेज बैसवाल का प्रो कबड्डी पे क्या कहना है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि कबड्डी इज अ ग्लोबल स्पोर्ट्स नाउ थैंक्स टू द वीवो प्रो कबड्डी लीग, यानी कि आज कबड्डी वर्ल्ड वाइड फेमस है एंड थैंक्स टू द प्रो कबड्डी लीग। अगर प्रो कबड्डी लीग नहीं होता तो आज कबड्डी शायद से इतना फेमस नहीं होता। और उसी के रिलेटेड यहाँ पे लिखा है कि द फाइनेस्ट मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट इन स्पोर्ट। चलिए से बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अगला अपडेट निकल आता है बंगबंधु कबड्डी कप के रिलेटेड। दोस्तों जैसे आप दोस्तों आपको पता हो कि आज का मैच नंबर 10 एंड यहाँ पे आज क्वार्टर फाइनल क्वालिफायर का मैच खेला जाएगा, और यहाँ पे आज हमें फाइनलिस्ट मिल जाएगा, यानी कि कौन सी दो टीम बंगबंधु कबड्डी कप 2021 में खेलेगी फाइनल। तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैच नंबर 10 श्रीलंका वर्सेस नेपाल के बीच में खेला गया था, जिसमें फुल टाइम में श्रीलंका को मिला 45 पॉइंट्स एंड वहीं पे नेपाल को मिला 28 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे श्रीलंका 17 पॉइंट्स से मुकाबला जीत चुकी है। एंड यहाँ पे दोस्तों बात की जाए क्वालिफायर की, तो गाइस क्वालिफायर से पहले इस मैच के बाद जो लीग स्टेज का जो मैचेस होते थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे जो 5 में से 3 टीम से हमें क्वालिफाई के मिल गए थे, जो नंबर 1 पे थी वो बांग्लादेश की टीम थी, नंबर 2 पे श्रीलंका की टीम थी एंड नंबर 3 पे केन्या की टीम थी। तो गाइस यहाँ पे 3 टीम क्वालिफाई कर चुकी है, जिसमें जो सबसे टॉप में बांग्लादेश की टीम थी वो डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मार चुकी है, एंड जो सेकंड नंबर पे एंड जो थर्ड नंबर पे यानी कि श्रीलंका एंड केन्या पे थे उनके बीच में क्वालिफायर का मुकाबला खेला जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्वालिफायर का मुकाबला भी कंप्लीट हो चुका है, उसके रिजल्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। वो मैच क्या ही खेला गया था गाइस, आखिरी रेड में हमें पता चला था कि आखिर विनर कौन है, और आप चौंक जाओगे कि जहाँ पे उम्मीद नहीं की गई थी वही टीम ये मुकाबला जीत गई है। तो गाइस यहाँ पे बात की जाए रिजल्ट्स की, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रिस्पॉन्स यानी कि रिस्पॉन्स क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि थोड़ा आपको इंटेंस वाला माहौल क्रिएट कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हुआ क्या था, आखिरी के रेड बचे थे यानी कि आखिरी के 1 मिनट बचे थे, और यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या था, श्रीलंका के थे 36 पॉइंट्स एंड केन्या का भी थे 36 पॉइंट्स, और यहाँ पे हुआ क्या था गाइस, यहाँ पे श्रीलंका के जो रेडर थे वो रेड करने गए थे एंड यहाँ पे केन्या के टीम ने टैकल कर लिया, और उसी के साथ यहाँ पे टाइम भी खत्म हो गया, और यहाँ पे 1 पॉइंट से केन्या के टीम जो मैच जीत गई। यहाँ पे फुल टाइम में श्रीलंका को मिला 36 पॉइंट्स एंड वहीं पे केन्या के टीम को मिला 37 पॉइंट्स, यानी कि ये मुकाबला केन्या 1 पॉइंट से जीत चुकी है, और बंगबंधु कबड्डी कप 2021 के फाइनल में केन्या की टीम पहुंची और श्रीलंका की टीम हार चुकी है। गाइस आप समझ सकते हो यहाँ पे कबड्डी क्या ही है, और उसी के रिलेटेड यहाँ पे केन्या की टीम भी विश्वास नहीं की, और बहुत ही प्राउड मोमेंट केन्या की टीम कर रही होगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे फाइनल की बात करें, गाइस यहाँ पे बंगबंधु कबड्डी कप 2021 का फाइनल बांग्लादेश वर्सेस केन्या के बीच में
कल आपको देखने को मिलेगा। चलिए सो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कबड्डी पोलैंड की टीम जो डिस्क्वालीफाई हो गई, तो गैस उसे के रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने एक पोस्ट किया है जहाँ पे लिखा कि ईच ऑफ द टीम्स वी फेस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रिसीव अ स्पेशल पेरेंट फ्रॉम US, इट वॉज एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर अवर ओपोनेंट। सो गैस यहाँ पे एक गिफ्ट दिया गया है कबड्डी पोलैंड को, और यहाँ पे कबड्डी पोलैंड की टीम में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, जरूर एक भी मैच नहीं जीता लेकिन जिस हिसाब से कबड्डी खेला है वो बहुत ही मतलब कि तारीफ लायक कबड्डी खेला है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताया, अगर आपको थोड़ी पसंद है उसको लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 35 के सब्सक्राइबर हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।